Bismillahir Rahmanir Rahim. 9th class, exercise number 6.2, question number 11, simplify. बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने नज़र आ रहा है आपको. अगर हम इस वैल्यू पर गौर करें, x की पावर 4 माइनस 8x पर, तो बेटा यहाँ से x इज़ कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई x की पावर 3 माइनस 8. अगर हम नीचे वाली एक्सप्रेशन को देखें, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो बेटा ये 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 6. तो 6 1 is 6, इसके फैक्टर्स बन गए. तो लिहाजा आपने इसको लिखा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3. बेटा ये जो है एक्सप्रेशंस वैसी आ गई. यहाँ से जो है आप x कॉमन आ रहा है, लिहाजा हमने लिखा x इंटू एक्स माइनस 2. बेटा ये आप x की पावर 3 माइनस 8 को लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3. 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3. यहाँ नीचे जो है वो x 2x कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3. यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया तो आ गया x प्लस 3. बाकी बेटा सारी वैल्यू वैसे लिखी हुई है. अब गौर करें तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, जिसे आपने लिखा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्र. a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 2 है. बेटा बाकी सारी वैल्यूज जो है वो वैसे ही हमने लिख दी. अब आप गौर करें कि ये आगे x x माइनस 2 और ये वाली वैल्यू को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो ये आगे x स्क्र. ये x और 2 आपस में मल्टीपल होके आ गया बेटा 2x. 2 का स्क्र बेटा 4 आ गया. बाकी सारी वैल्यू जो है उसी तरह नीचे उतरती चली आ रही हैं. अब आप गौर करें तो ये वाला x जो है इस x से कैंसिल हो गया. ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो गए. ये एक्स के प्लस 2x प्लस 4 जो है इससे कैंसिल हो गया. ये 2x माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया. x प्लस 3 इससे सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई तो आंसर हमारे पास आ गया 1.